हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग जरूर लिखिएगा कमेंट में। फिलहाल जो है आज मैं शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ कि यूएस आने से पहले आप लोग क्या क्या चीज़ लाएं यहां पे, क्योंकि अब सभी स्टूडेंट्स जो हैं अभी आने वाले होंगे, क्योंकि जो फॉल का जो एडमिशन है वो अभी स्टार्ट हो चुका है और सभी एक्साइटेड होंगे आने के लिए। मेरे भी दोस्त हैं एक दो जो आ रहे हैं, तो सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये जो लोकेशन है ये कितना सुंदर है। तो ये देखिए, यहाँ से ये लोकेशन शुरू है और ये रहा अपना लेक। तो वहाँ पे देख सकते हैं स्काईलाइन और ये देखिए अपना लेक। तो ये लेक कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं इसको देख के। ये देखिए कितना। तो दोस्तों अभी मैं निकल चुका हूँ घर की तरफ और सोचा रास्ते में चलते चलते आप लोगों को बताते चलूँ स्टोरी क्या मतलब क्या क्या सामान आप लोगों को लाना है यहाँ पे। और आप तो फिलहाल लोकेशन का भी मज़ा ले सकते हैं, पीछे में देख सकते हैं। तो आइए बैठ के बातें करते हैं। तो ये एक खूबसूरत सा डेस्क है जिस पे मैं बैठा हूँ, बहुत खूबसूरत लगता है मुझे ये एरिया। तो सबसे पहले जो आप लोगों को शुरुआत करना होता है, तो जैसे ही उठते हैं तो हम लोगों को जाना होता है रेस्टरूम, और उसके लिए जो है आप लोगों को चाहिए सबसे पहले ब्रश। तो ब्रश और पेस्ट ज़रूर रख लीजिएगा, एटलीस्ट एक पीस तो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लेके आएँ, क्योंकि आपके पास लिमिटेड ही केजीज रहता है जो कि लेके आना है आपको। तो आप ब्रश रखिएगा, पेस्ट रखिएगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पेस्ट ही सूट करता हो तो आप ज़रूर वही पेस्ट दो से तीन रख सकते हैं, वरना आप एक रख सकते हैं काफ़ी है, क्योंकि सारे चीज़ यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद फिर आपको वहाँ से मग ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट में फॉसेट नहीं मिलता है, तो एक मग ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको $5 से $6 के बीच में मिलता है। मतलब जो छोटा सा मग जो आप 10 रुपये में ख़रीद सकते हैं उसका दाम यहाँ पर आपको 400 से 450 रुपये पड़ जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग एक खाने के लिए जो है एक थाली रख लीजिएगा, चम्मच रख लीजिएगा, और कढ़ाई अगर हो सके तो रख लीजिए, नहीं तो कुकर ज़रूर रखिएगा, और एक पैन तवा जिस पे आप रोटी सेक सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स ज़रूर रखिएगा। तो डॉक्यूमेंट्स के कुछ लिस्ट हैं जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, 10th 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा, जो आपका सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है वो, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेंस लेटर, I-20, DS-160, और उसके बाद जो आपने सर्विस फी रिसिप्ट दिया होगा आप लोगों को वीज़ा के टाइम पे वो वाला, प्लस वीज़ा फी रिसिप्ट, GRE का स्कोर, और जो भी अगर आपने TOEFL दिया है या फिर IELTS दिया है उसका स्कोर, जो भी सर्टिफिकेट है, इम्यूनाइजेशन का जो रिपोर्ट है जो आप लोगों ने लिया होगा वो इंजेक्शन, वो मेडिकल रिकॉर्ड, टिकट, बैंक स्टेटमेंट, ये सारे चीज़ आप लोग ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट I-20, तो I-20 जो है मेनली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपको सिर्फ वही मांगा जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं एक पेन, एक कॉपी नोटबुक ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वही नोटबुक $1 से $2 मिलेगा। मसाले, तो मसाले में आप लोग बेसिक मसाले जो होते हैं हल्दी, नमक, मिर्ची, ये ज़रूर रखिएगा, क्योंकि नमक अगर आपको ना रखना हो तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे नमक आपको, क्योंकि वो वज़न तो ज़्यादा होता है और दाम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ बाकी मसाले, नमक, हल्दी और मिर्ची और जो भी गरम मसाले हैं वो आप लोग ज़रूर रखिएगा, और बहुत ज़्यादा रखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ख़राब हो सकता है, और यहाँ पर भी सारे मसाले आपको मिलते हैं। और अगर कोई आपको स्पेसिफिक ब्रांड का चाहिए तो वो आपको ले के आना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपको एवरेस्ट, MDH जो मेन ब्रांड है अपने इंडिया का, और पाकिस्तान का भी एक दो ब्रांड है जैसे शान हो गया और एक दो है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद जो है बाकी नमकीन वगैरह जो भी है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है, और आप यह ला सकते हैं। तो उसके बाद जो है आप लोगों को नहाने में लगेगा जैसे कि सोप, जो कपड़े धोने का साबुन है वो, नहाने का साबुन, और भी कुछ चीज़ आपको जो भी लगता है, फेस वॉश वगैरह जो भी है, शैम्पू हो गया, तो ये थोड़ा बड़ा आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि एक वीक या फिर दो वीक के लिए एटलीस्ट आपके पास सारे सामान होने चाहिए जो कि आपको दिक्कत ना हो,
क्योंकि जब आप आएंगे तो आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो में दिखाया है कि मैंने कैसे कैसे एक्सप्लोर किया, और उसके बाद मुझे पता चला कि कौन कौन सा सामान कहाँ पर सस्ता मिलता है। तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम हो। तो आपको एटलीस्ट इतना सामान होना चाहिए, और बाकी आप मेरे वीडियो में जा सकते हैं कि कौन सा सस्ता कहाँ पे मिलता है, तो वो आपको हेल्प हो जाएगा। बाकी जो बेसिक सामान है वो आपको ये सब चीज़ लेके आना है। तो एक एक साबुन ज़रूर रख लीजिएगा ताकि आपको एक्सप्लोर करने में एटलीस्ट वो तो टाइम मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं कपड़े पे। तो बहुत ज़्यादा कपड़ा लाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको सस्ते में मिल जाता है बहुत सारा कपड़ा, और बाकी ब्रांड पे डिपेंड करता है। ब्रांडेड कपड़ा भी यहाँ पे इंडिया के मुकाबले बहुत सारा चीज़ है जो कि यहाँ पे सस्ता मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे स्पेशली कोई चीज़ खरीदी है और फिर यहाँ पे लेके आइए, नहीं, ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं। और बाकी आप जैकेट जो है एक ज़रूर रखिएगा, एक जूता रखिएगा, फॉर्मल वियर जो है एक ज़रूर रखिएगा, एक या दो सेट, क्योंकि वो आपको बहुत ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि जब भी आपका इंटरव्यू होगा या फिर ये होगा तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो एक से दो सेट काफ़ी है, और उसके बाद फॉर्मल शू और एक नॉर्मल शू, ये दोनों रखिएगा। उसके बाद फिर आते हैं जैकेट पे। तो जैकेट जो है आपका थोड़ा सा जो मोटा हो, मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा ठंड में आप पहनते हो वो वाला लीजिएगा, और ख़ास करके वाटरप्रूफ अगर हो तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो आपको मतलब पानी अंदर ना जाए, तो ये देख के लीजिएगा। बाकी आपको यहाँ पे आगे एक तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो ठंड है वो कुछ ज़्यादा होता है। उसके बाद जो है शूज़ भी है, वो आपको यहाँ पे आके लेना ही पड़ेगा अगर आप प्रॉपरली किसी ठंडे जगह पे जा रहे हैं, जैसे कि ये शिकागो है तो यहाँ पे तो बर्फ़ आप लोगों को पता होगा बहुत ज़्यादा गिरता है, और भी बहुत सारा है, मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको बर्फ बहुत ज़्यादा गिरता है, तो आपको यहाँ पे लेना ही पड़ेगा एक बूट वगैरह जो भी है। बाकी आप फ्लोरिडा वगैरह में जाते हैं तो उधर में थोड़ा कम रहता है या फिर नहीं के बराबर रहता है, तो वहाँ पर आपका चल जाएगा, लेकिन हाँ जो मोस्ट ऑफ द प्लेसेज हैं वहाँ पर आपको बूट खरीदना ही पड़ेगा। उसके बाद जैकेट भी आपको यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। और अब आते हैं हम लोग दवाइयों पे। तो दवाइयाँ जो है वो आपको आपके बॉडी के हिसाब से, आपको पता है कि आप किस बीमारी से ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, नहीं रहते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों के लिए विश करूँगा कि आप लोग सेफ रहें और सुरक्षित रहें बीमारियों से। बाकी जो भी दवाइयाँ हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया या फिर पेन किलर्स हो गए, तो ये सब नॉर्मल सर्दी बुखार का ये सब दवाई ज़रूर लेके आइएगा, और कोशिश करिएगा कि एकदम नया हो, ताकि आपका जो एक्सपायरी डेट हो वो काफ़ी दूर तक हो, जैसे कि एक दो साल का हो मिनिमम। तो मैंने यही सब देख के दवाई लिया था कि एटलीस्ट दो साल के लिए सबका वैलिडिटी हो, तो आपको दो साल, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जब भी आपको कुछ होता है तो आप डायरेक्टली जाके दवाई की दुकान पर नहीं मांग सकते हैं, ना ही आपको वो देगा। तो नॉर्मल बीमारियाँ जैसे कि कोल्ड हो गया और ये नॉर्मल जो भी चीज़ है उसके लिए आपको एक दो चीज़ मिल जाता है, बाकी नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, फिर वहाँ से डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद फिर वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, या फिर वो डायरेक्ट जो है सो वॉलग्रीन वगैरह जो भी आप शॉप बोलेंगे उसको, उस शॉप को डायरेक्ट मेल करेगा, और मेल करने के बाद जो दवाइयाँ हैं वो आपको दे दिया जाएगा। तो आपको इन हैंड कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आप रख नहीं सकते हैं, एक बार यूज़ हुआ वो आपका चला जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे यही सीन है। और मैंने अभी जो दवाई लिया है, अभी जैसे मैं गया था कुछ दिन पहले, तो मुझे यहाँ पे कुछ दर्द हो रहा था, तो उसके लिए मैं गया तो मुझे जो प्रॉपरली दवाई एक दिया गया उसमें मेरा नाम एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा घर जाके, तो प्रॉपरली पूरा हर चीज़ लिखा हुआ है उस पर, आपके ही नाम पर मिलेगा, तो आप बार बार वो नहीं ले सकते। और बहुत सारा प्रिस्क्रिप्शन होता है इसमें रिफ़िल अलाउड रहता है, लेकिन मेरे में रिफ़िल अलाउड नहीं है, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कितना रिक्वायरमेंट है आपको दवाई का, तो उसी हिसाब से मिलता है। तो ये थोड़ा सा टफ है, तो इसलिए आप लोग पहले ही दवाई लेके आएँ छोटा मोटा अगर कुछ होता है तो। फिर बाकी आते हैं स्पेक्स पे। तो अगर आपका आँख का पावर जो है, आँख में पावर है, तो आप लोग आने से पहले ज़रूर चेकअप करवा लें और नया चश्मा बनवा लें, क्योंकि यहाँ पे जो है चश्मा बहुत महंगा है, मतलब आपको मिनिमम $60 से $70 मिनिमम लगेगा, और ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है ब्रांड पे। तो आप कम से कम दो या तीन चश्मा जो भी आप बनवा सकते हैं बनवा लें और वो लेके आएँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हैं। बाकी बचा फिर ब्लैंकेट ज़रूर रखें, कंफर्टर हो या फिर ब्लैंकेट हो, जो भी आपके हिसाब से आप रख लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरत होता है। जैसे कि आपका कहीं लेओवर है, उस टाइम पे आपको ठंड लग सकता है, तो आप लेओवर के टाइम पे वो यूज़ कर सकते हैं, और प्लस आपको यहाँ पे भी आके तुरंत ख़रीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि घर में ज़्यादा ठंड तो लगता नहीं है, और हीटर क्योंकि अवेलेबल रहता है, लेकिन एक छोटा सा ब्लैंकेट आपको ज़रूरत रहता है तो वो आप ज़रूर रखिएगा। मोटा हो तो वो अच्छा है लेकिन चलेगा, मतलब आप कोई भी एक ब्लैंकेट ज़रूर लेके आएँ, लेकिन बहुत पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, क्योंकि मोटा लाइएगा तो उसका वज़न बढ़ जाएगा, और ज़्यादा पतला लाइएगा तो उसका कोई यूज़ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में देख लीजिए कि जैसे लैपटॉप है तो वो आपका एडवांस वर्जन होना चाहिए ज़रूर,
मैं गलती किया था कि मेरे पास एक 32 बिट वाला लैपटॉप था, तो मैं वो लेके आ गया था एक, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हो पाया मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि जो भी यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एज ए मास्टर्स स्टूडेंट और आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो या फिर उससे रिलेटेड डेटा साइंस वगैरह जो भी है, तो उस केस में जो है आप लोगों को बहुत ही हाई परफॉर्मेंस का ज़रूरत होता है। और उसके बाद जो है वो आपका लैपटॉप अगर एडवांस वर्जन नहीं है तो आपका अच्छे से चल नहीं पाएगा, तो फिर आपको नया खरीदना पड़ेगा। तो मुझे जैसे खरीदना पड़ गया था, मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर भी किया वो वाला, तो वही है कि आप लोग जो है एडवांस वर्जन यूज़ करें, और आपके पास अगर ऑलरेडी है तो आप वही लेके आएँ, नहीं तो फिर यहाँ पर आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सस्ता ही है लैपटॉप वगैरह। मोबाइल में ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा कि जो सिम कार्ड यहाँ का है वो आपके पे कंपैटिबल है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनका फ़ोन यहाँ पे आने के बाद काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ का पता नहीं, आप लोग एक गूगल में वेबसाइट है वहाँ उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन यहाँ के लिए कंपैटिबल है या नहीं है। तो मेरा आईफोन था इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं यहाँ पे, मेरा तो चल गया, लेकिन बहुत मेरे दोस्त थे जिसका शायद एक दो वन प्लस था और एक MI का था किसी का, तो वो नहीं चला, और एक वन प्लस का शायद नॉर्ड करके है एक सीरीज़, तो उसमें भी जो है सिर्फ 4G चलता है, 5G यहाँ पे नहीं चलेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग सुई धागा पे। सुई धागा आप लोग ज़रूर रख लीजिएगा क्योंकि बहुत कभी कुछ फट गया हो गया तो उसमें ज़रूरत पड़ता है, तो वो आपका एक काम का चीज़ है। और फिर आप हाँ एथनिक वियर इंडियन वियर जो होता है वो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका इंडियन फंक्शंस होते हैं कॉलेज में, आपका बहुत सारा फेस्ट होता है जिसमें इंडियन ड्रेस पहन के आपको जाना पड़ता है, तो जैसे कि दिवाली हो गया, होली हो गया, ये सब यहाँ पे मनाया जाता है, तो आप उस केस में आपके पास एक कपड़ा रहेगा इंडियन वियर तो वहाँ पे जाके आप मस्ती कर सकते हैं, वरना आप एक एलियन लगेंगे। तो ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है जो कि आप रख सकते हैं। इतना सब को रखने के बाद आप एक बार वजन ज़रूर कर लें अपने कपड़ों को या फिर जो भी सामान है आपका, उसके बाद अगर आपके पास सामान बचता है और भी वजन बचता है रखने के लिए तो आप जो मन वो रख सकते हैं। तो जो भी आप लोग स्प्रे वगैरह ये सब चीज़ जो भी रखिएगा वो आप लोग अपने हैंड बैग में नहीं रखिएगा, सब लगेज में होना चाहिए, और सबको अच्छे से रैप कर दीजिएगा पॉलीथीन में या फिर टेप वगैरह से, जो भी आपका शैम्पू हो या फिर जो भी चीज़ है उसको अच्छे से रैप करिएगा, नहीं तो कस्टम में आपका सारा चीज़ फेंक देगा। और भूल के भी DO स्प्रे नेल कटर ये सब चीज़ जो है अपने हाथ वाले बैग में नहीं रखिएगा, हैंड बैगेज में मत रखिएगा, क्योंकि मेरा जो है DO फेंक दिया था, कुछ बोला कि 100 ml या फिर कुछ होता है उन लोगों का, 50 ml का कुछ लिमिट होता है, तो उससे ज़्यादा अगर आप रखते हैं तो वो आपका फेंक देगा। तो कोशिश करिएगा कि वो उसमें ना रहे, आप इसी में रखें अपना जो चेक इन बैगेज है उसमें रखें ताकि वो आपका सेफली आ जाए। और बस फिर यही एक बेसिक चीज़ है, बेसिक आइडिया है जो कि आपको लाना है यहाँ पर आने से पहले, और भगवान करे आपका जो जर्नी है बहुत ही अच्छे से हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो कि यहाँ पे आ रहे हैं, कोई भी देश, मतलब US, UK, यूरोप में कोई यूरोपियन कंट्री में कोई भी जगह पे आप जा रहे हैं तो बहुत सारा जगह है, तो बेसिकली यही सब सामान आपको हर जगह लेके जाना है। खाने का कुकर और ये सब चीज़ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये जो है आपका यहाँ पे मिलता तो है लेकिन आपको बहुत दूर पर मिलेगा, इंडियन स्टोर्स पे जाना पड़ेगा आपको, कहाँ है आपके घर से वो भी नहीं पता आपको, तो एक्सप्लोर करने में या फिर पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। जो कुकर आप 600 700 हज़ार 1500 में ले लेंगे वहाँ पे इंडिया में, वो यहाँ पे आपको 4000 5000 पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। तो इतना बेसिक चीज़ आप लोग रख सकते हैं, बाकी तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग खुद तेज हैं, एक्सप्लोर करके आप लोग जान जाइएगा, नहीं जानिएगा तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फिर आप लोग जो है अगर किसी भी फ्रेंड फैमिली में किसी को जानते हो जो कि आउट ऑफ कंट्री जा रहा है तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन लोग को हेल्प हो जाइए और वो लोग अपना थैंक्स आपको बोल सकें। तो फिर आज के लिए बस इतना ही है, तब तक एक बार आप लोग यहाँ का नज़ारा और देख सकते हैं, ये देखिए क्या सुंदर रोड है ये, और रोड के साइड में ये जो डेस्क है, और उधर है लेक, और ये देखिए ज़बरदस्त साइकिल है, ये साइकिल आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त था। तो आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।